नर्सरी से हाइब्रिड भिंग का लेके आने के बाद इस तरीके से आप लगा लीजिए फ्रेंड्स, तो आपका प्लांट कभी खराब नहीं होगा, पूरे साल ये फूल देते ही रहेगा। प्लांट लगाने के बाद इसको आप कैसे केयर करें, इसके ऊपर मेरा पहला वीडियो जो आप लोग बहुत पसंद किए हो, हाउ टू सेव विनका, प्लीज एक बार उसको चेक कर लेना, तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा प्लांट बिल्कुल फ्रेश है, तो मैंने अभी इसमें पानी नहीं डालूंगी। तो मैंने कब पानी डालूंगी, किस तरीके से पानी डालूंगी, क्यों नहीं डालूंगी, वो जानने के लिए आप वीडियो पूरा देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, हाइब्रिड भिंका बहुत खूबसूरत एक प्लांट होता है, एक बार आप गार्डन में लगा लीजिए तो पूरे साल आप इन पे फूल ले सकते हो। ये कभी रेस्ट नहीं लेता है, ना इसका कभी डॉर्मेंसी पीरियड होता है। पूरे साल प्लांट को बचा के रखने के लिए और इनसे फूल लेने के लिए आपको कुछ ट्रिक्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मई जून जुलाई में जब भीषण गर्मी पड़ता है, उस टाइम आपको क्या करना है, प्लांट को शेडी एरिया में रखना है और मॉर्निंग का हल्का धूप देना पड़ेगा, पर विंटर में आपको फुल सनलाइट में रखना पड़ेगा। प्लांट में जब भी आप पानी दें, एकदम मिट्टी में देना है आपको, ना प्लांट के लीव्स में ना फूल में आपको पानी देना है। और जब प्लांट हल्का सा ड्राई हो जाए, जब प्लांट आपसे पानी मांगे तब ही पानी देना है। ऐसे तो ये कटिंग से भी लग जाता है और सीड से भी इसका जर्मिनेशन हो जाता है, पर आपके पास जगह कम है, आप 2-3-4 प्लांट ही लगा पाओगे, तो आप सबसे आसान तरीका, आप नर्सरी से इसको बाय कर लो, 10-15 रुपीस में आपको मिल जाएगा और साथ में बहुत सारा कलर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। इनके पास जगह कम है, टाइम कम है, पर आप गार्डनिंग करना चाहते हो तो इस प्लांट को आप जरूर ऐड कर लेना। फ्रेंड्स, विनका फ्लावर का खासियत यही है कि एक बार फूल खिलने के बाद 2-3 दिन ये प्लांट में स्टे करता है, इसीलिए आप कभी प्लांट में फ्लावर का कमी महसूस नहीं करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको दिखाती हूँ मैं इसको कैसे रिपोर्टिंग कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे गमला का पुराना मिट्टी यूज कर रही हूँ, इस मिट्टी के साथ खाद मिला हुआ है, मैं यहाँ पे कोई नया फर्टिलाइजर न्यू खाद यूज नहीं कर रही हूँ। इसका एक रीजन है फ्रेंड्स, क्योंकि विन का प्लांट ज्यादातर फंगस से खराब हो जाता है, और आप जो नया खाद यूज करेंगे वो अच्छा सा सड़ी हुई खाद नहीं हो, तो कभी कभी फंगस लग जाता है और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हाइब्रिड विंका का मिट्टी कैसे होना चाहिए? मिट्टी ऐसे होना चाहिए कि आप प्लांट में पानी डालेंगे और पानी तुरंत नीचे से निकल जाएगा, मतलब पानी रुकना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए लेना पड़ेगा भुरभुरा मिट्टी, तो आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आप थोड़ा सैंड यूज कर लीजिए। अब मैं मिट्टी में थोड़ा सा नीम खली ऐड करूंगी, आप ड्राई नीम लीव्स, फंगीसाइड, हल्दी पाउडर ऐड कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, हमारा प्लांट फंगस से बचा रहेगा। प्लांट नर्सरी से लेके आने के बाद तुरंत अब रिपोर्टिंग मत करिए, शाम के टाइम पे करिए, और इसका मिट्टी में कभी कोकोपीट ना मिलाए। फ्रेंड्स, हाइब्रिड विंका का रूट बहुत सेंसिटिव होता है, तो आप ध्यान से थोड़ा केयरफुली इसका रूट बॉल निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, इसका रूट बॉल को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बिल्कुल छेड़ूंगी नहीं, जैसे है एज इट इज मैं मिट्टी में लगा दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मिट्टी कैसे है, देखिए बिल्कुल भुरभुरा है, ऐसे ही मिट्टी होना चाहिए फ्रेंड्स। ऊपर तक मिट्टी डालने के बाद फ्रेंड्स, इसको अच्छा से प्रेस कर लेना, इससे क्या होगा, आपका सारा एयर पॉकेट खत्म हो जाएगा और कोई डिजीज़ रूट बॉल को अटैक नहीं कर पाएगा। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा नीम खली और भी ऐड कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बाकी और दो प्लांट भी मैं एक एक करके लगा लेती हूँ।
फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 7 इंच का पॉट लिया है। आप भी छोटे से छोटे गमले में लगा लीजिए। ज़्यादा बड़ा पॉट लेंगे तो ज़्यादा पानी रुकेगा और प्लांट खराब हो जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा तीनों प्लांट ही लग चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ, अभी आप ध्यान से देखिए। रिपोर्टिंग का जो रूल्स होता है फ्रेंड्स, जब आप पहली बार कोई प्लांट को रिपोर्टिंग करेंगे तब उसको भरपूर मात्रा में पानी देना होता है। पर भिंका के बारे में, हाइब्रिड भिंका के बारे में ये गलती आप ना करिए। आप वीडियो का अंत तक देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि कब मैं कैसे कैसे पानी दे रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। अब मेरा प्लांट का स्थिति देखिए, प्लांट बिल्कुल फ्रेश है। इसका लीव्स देखिए, कहीं पे लग नहीं रहा है कि प्लांट को पानी का ज़रूरत है। जब ये खुद पानी आपसे मांगेंगे तब आप पानी डाल देना। आप वीडियो एंड तक देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमने विंका को गमले में ट्रांसप्लांट किया था, आपको दिखाया था कि विंका को नर्सरी से लाते हुए विंका को आप कैसे गमले में लगाएंगे। तो आज 3 डेज हो गए, अब वो मेरे से पानी मांग रहे हैं। उसका अभी ऐसे स्थिति है कि पानी उसको देना ही पड़ेगा। तो आपको दिखाती हूँ A to Z, आप देख लीजिए और अंडरस्टैंडिंग और भी आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आपको मैं एक नया मेंबर से मिलाती हूँ, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये वाला प्लांट मैंने पहली बार देखा नर्सरी में, और इसका कली देखिए ऐसे है। ये देखिए, इसका 2 कलर में फूल आता है। ये जो वाइट कलर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्रेश है, और ये जो येलो कलर अपने कलर देख रहे चेंज हो चुका है, ये काल का था। इनमें बहुत अच्छा खुशबू आते हैं। तो आपके पास ये वाला प्लांट है तो मेरे को बताना ये क्या नाम है, जब मैं वीडियो बनाऊंगी आपको आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, चलिए आप देखते हैं, मिंका के पास चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा विंका, आपको पुराना विंका भी दिखा लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा पुराना विंका है, 2 साल हो चुका है इसको मेरे पास रहते हुए। जैसे मैं आपको बताए विंका का केयर, एज इट इज़ ऐसे ही मैं केयर करती हूँ। और देखिए कितना बढ़िया कलर है, ये देख लिया फ्रेंड्स। मैं थोड़ा कटिंग प्रूनिंग कर दिया कि वो थोड़ा घना बन जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए आप दिखाती हूँ, देखिए एक ये विंका है हमने जो उस दिन लगाए थे, दूसरा ये है, तीसरा ये है। ये मेरा बेडरूम है फ्रेंड्स, और बेडरूम के सामने जो ग्लास है मैंने यहाँ पे लगा के रखी हूँ, तो एवरी मॉर्निंग हर टाइम मैं इसको देख सकती हूँ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि तो हर टाइम फूल खिला रहता है। तो आपको पहले स्थिति दिखाती हूँ। देखिए ये वाला विंका को देखिए, इसका पत्ता देखा, इसका लीव्स देखिए नीचे की तरफ झुक गए हैं, इसके मतलब ये मेरे से पानी मांग रहे हैं। दूसरा विंका देखिए फ्रेंड्स, वो अभी ठीक है, अब भी ठीक है, वो अभी इसको पानी नहीं चाहिए। ये कह रहा है मेरे को कि अब मेरे को पानी नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। ये भी वही कह रहे हैं कि आप मेरे को पानी मत दीजिए, मैं बिल्कुल सही हूँ। और कह रहे हैं जब पानी चाहिए मैं आपको खुद मांग लूँगी, उससे पहले मत देना मेरे को पानी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आप पानी डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, पानी डालने के लिए मैंने क्या लिया, एल्टेनॉल लिया, इसमें मैंने पानी ऑलरेडी डाल लिया है, और मैंने लिया साफ फंगीसाइड। देखिए ये साफ फंगीसाइड है, ये सिस्टमिक फंगीसाइड है। तो जब आप भिंका में पानी डालेंगे ना, तो आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा कोई भी फंगीसाइड हो, आपके पास फंगीसाइड नहीं हो तो हल्दी का भी आप यूज़ करिए। हल्दी को भी पानी थोड़ा सा देना है, 1 ग्राम 2 ग्राम, फिर अच्छे से उसको मैं शेक कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे पानी दे रही हूँ,
देखिए एकदम ऊपर से नहीं देना आपको पानी, आपको पानी देना है एकदम मिट्टी में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं पानी दे रही हूँ, पहली बार पानी दे रही हूँ तो पूरा भर के मैं पानी दूंगी, इसमें कोई कंजेशन नहीं करना। बस ठीक है, पानी दे दिया, अब थोड़ा वेट करेंगे। ये जो पानी हम दिख रहे हैं अभी तक नीचे से नहीं आ रहे, इसके मतलब इसको और भी पानी चाहिए, मिट्टी पूरा ड्राई है। मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, पानी थोड़ा नीचे चले जाएगा तो दोबारा मैं पानी डालूँगी। फ्रेंड्स मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, इसके लिए अभी पानी गए नहीं, वो धीरे धीरे जा रहे, तब इस टाइम मैं आपके साथ कुछ बात शेयर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको साथ डिटेल शेयर किया है विंका के, हाइब्रिड विंका के बारे में, जैसे मैंने किया, मैंने क्यों किया, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बिल्कुल डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया। तो मेरे को लगता नहीं कि और कोई वीडियो आपको ज़रूरत है विंका केयर के बारे में। तो आपको कोई क्वेरी हो कि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट कर लेना, मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट कर दूँगी, तो कि आप विंका को एंजॉय कर सकते हो। ये मेरा फेवरेट प्लांट कह सकते हो आप, तो मैं भी चाहती हूँ मेरे तरह आप भी विंका आपका गार्डन में ऐड करते रहना। तो फ्रेंड्स इतना ही बात बोलना था, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, इन्फॉर्मेशन जो मैं देती हूँ शायद इतना डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये पानी बिल्कुल चले गए, तो मैं दोबारा इसमें पानी डाल रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लीव्स में प्लांट में पानी नहीं दिया, बिल्कुल मिट्टी में दिया। फ्रेंड्स आप दो घंटे बाद आपको दिखा रही हूँ इसका लीव्स, देखिए कैसे फ्रेश हो गए, तो ये अच्छे से पानी पी लिया है। आप तो अच्छे से समझ गए होंगे, मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाया है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपने वीडियो को बहुत अच्छे से इंजॉय किए हो, वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना आपको कैसे, आपका विंका कैसे चल रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ मैं, तो प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहना, कनेक्ट रहना। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, टेक केयर।